क्वेश्चन नंबर 21। फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर। फॉर अ गिवन वेलोसिटी मतलब यू कांस्टेंट, प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर। फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 एंड T2 आर द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन दोज टू केसेस देन। सबसे पहले द क्वेश्चन लुक्स लिटिल इनकम्प्लीट, फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसा बोलना जरूरी है, राइट? अगर नहीं भी बोला होगा तो आपको समझना चाहिए कि दो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम कब होता है, when they are projected at complementary angles, मतलब एक 30 पे तो दूसरा 60 पे। If you remember, theta and 90 minus theta are complementary angle, or if you remember, theta plus 45 and theta minus 45 are complementary angles. Complementary angles के लिए time of flight, sorry, range remains same. So सबसे पहले you should know that time of flight T1 और इन जनरल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u sin theta by g, करेक्ट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 इन फर्स्ट केस इज 2u sin theta by g, इन सेकंड केस इज 2u sin of 90 minus theta by g, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ही टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज सेम होता है। बेसिकली range is same for complementary angle and complementary angle is theta and 90 minus theta. So this is T2 is equal to 2u sine of 90 minus theta is cos theta by g. Product पूछा है हमको, so I will be multiplying T1 T2. ये हमने already theory में cover किया है, फिर भी just for your satisfaction हम repeat कर रहे हैं। Option is B, of course हमने करके रखा है इसलिए। तो T1 into T2 is 2u sine theta by g, T2 is 2u cos theta by g. Then, आपको ऑलरेडी पता है T1, T2 ये आ गया 4, ये है uy, u sin theta और u cos theta is ux by g. If you remember, 2ux ये g square है नीचे, of course, तो 2 by g मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो 2ux uy by g ये जो होता है, ये होता है रेंज, राइट? तो इजी है, तो T1 इंटू T2 इज 2R बाय G, मतलब T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू R, ऑप्शन नंबर P। ये मैंने थ्योरी में ही करवा दिया था। देखो रेंज कब सेम होता है, रेंज तब सेम होता है जब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट टू एंगल्स विच आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। सो कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर मतलब एक थीटा पे एक 90 माइनस थीटा पे, बस यही करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में थीटा एक बार थीटा, दूसरे टाइम ऑफ फ्लाइट में 90 माइनस थीटा डालना है। T1 T2 मिल गया, प्रोडक्ट लेना है और उस प्रोडक्ट को आपने एडजस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ आर। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी यू एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अनदर पार्टिकल इज थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द वर्टिकल। वेरी गुड। द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ फ्लाइट ऑफ टू पार्टिकल्स विल बी। सो क्वेश्चन इज वेरी गुड। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को द वन इन द रेड, इसको हमने एक अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हमारे पास दूसरा प्रोजेक्टाइल है, मान लो दूसरा प्रोजेक्टाइल है, हमने इसको प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ फ्लाइट विल बी, हमने जो क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। कैसे?
मतलब पहले केस में टी वन इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी वन ले लेते हैं अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता, टू यू साइन अल्फा बाई जी। दूसरे केस में टी टू इज इक्वल टू टू यू साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई जी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं तो उसमें एंगल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। पहले केस में अल्फा था विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दूसरे केस में अल्फा था विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो ये जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज 90 माइनस अल्फा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही थी, ऐसा उसका मतलब होता है। तो टी टू इज इक्वल टू टू यू कॉस ऑफ अल्फा बाई जी एंड देन यू टेक रेशियो ऑफ टी वन बाई टी टू, देन यू हैव टू यू साइन अल्फा बाई जी अपॉन टू यू कॉस अल्फा बाई जी and then you have t1 by t2 is equal to tan alpha. So tan alpha is to 1 is the correct answer. Simple, simple. Bahut simple tha. This is very simple question. Right? There was nothing in this question. 21 se hi aage humne continue kiya. Next. A particle covers 50 meter distance when projected with an initial speed. On the same surface, it will cover a distance when projected with double the initial speed. Easy hai. Pehle case mein 50 meter cover kiya gaya hai. Matlab R1 50 meter diya hai, range diya hai 50 meter. Humko pata hai ki range is equal to, ab aapke upar hai, ab kaise formula likhte ho. 2ux uy लिखते हो या फिर आप u square sin 2 theta लिखते हो by g, right? Good. तो this is okay in this case. इस केस में हमको u के टर्म में लिखना है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हमने पहले इनिशियल स्पीड u पे प्रोजेक्ट किया, फिर डबल स्पीड पे प्रोजेक्ट किया, मतलब they are telling you indirectly that angle we have kept constant. मतलब r is proportional to u square since theta is constant. मतलब R2 by R1 will be equal to U2 by U1 square and U2 is 2 times of U1. Therefore, R2 by R1 is equal to 2 square. मतलब R2 is 4 times of R1, मतलब 4 into 50, मतलब 200 meter. Option number C. Simple. क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देख लो। उन्होंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब होता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कांस्टेंट रखा गया है। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 15 डिग्री, G is 10, then the range is. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. R is u square sin 2 theta by g. So this is nothing. This is just formula आना चाहिए इसके लिए. 500 मतलब 5 10 power 2 का square sin of 2 theta मतलब 2 into 15 that is sin 30 by g. G की value 10. तो 25 into 10 power 4 sin 30 is half into 10. तो ये हो गया. एक 10 cancel होगा. 12.5, 25 by 2 is 12.5 into 10 power 3 meter. So such type of questions are included because ये randomly question generate होते हैं, तो आ जाता है उसमें. So it is very simple thing and you don't need to worry about, worry is simple. You don't have to even write anything. Oral question था. U square 500 का square. Good. 25 into 10 power 4. साइन 30 इज हाफ, हो गया सॉल्व, खत्म. 12.5 into 10 power 3. अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड यू, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ओके ऑन विच दिस बुलेट्स विल स्प्रेड. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट से मैं हर एक डायरेक्शन में बुलेट्स फायर कर रहा हूं, हर एक डायरेक्शन में. ओके, तो सबसे पहले बुलेट्स पास में भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकता है, दैट इज फाइन. मैक्सिमम एरिया बोला है, तो
तो हर एक डायरेक्शन में आपको आर मैक्स देखना पड़ेगा, और हर एक डायरेक्शन में आर मैक्स देखोगे तो व्हाट विल इट लुक लाइक। सो लेट मी जस्ट शो यू बाय ग्राफ आर मैक्स इन ऑल डायरेक्शन। इफ यू सी आर मैक्स इन ऑल डायरेक्शन यू विल गेट अ सर्कल। तो व्हेन बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस द मैक्सिमम एरिया दैट द बुलेट्स विल कवर इज अ सर्कल, राइट। तो ये पता होना चाहिए। ये ग्राउंड पे है, यू आर लुकिंग एट एंड ऑन द वर्टिकल प्लेन बट एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। इमेजिन करो आप ग्राउंड पे खड़े हो, यू आर फायरिंग बुलेट्स, आके बंद करके ऐसा घूम रहे हो आप। सो बुलेट्स विल बी इन ऑल डायरेक्शन एंड द मैक्सिमम एरिया विल बी अ सर्कल बीइंग यू बीइंग एट द सेंटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम एरिया हियर, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। गुड, देन क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। हाउ डू यू फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया, इज सिंपल। मैक्सिमम एरिया, मैक्स एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल बाय आर मैक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हर एक डायरेक्शन में आर मैक्स आर मैक्स आर मैक्स, करेक्ट। सो द क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि ये होगा पाई और आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर, मतलब पाई यू रेस टू फोर बाय जी स्क्वायर, पाई यू रेस टू फोर बाय जी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था बट वॉज आस्क्ड इन अ वेरी गुड वे। तो ऐसे क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, इट वॉज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक गन है जिससे हम लोग वी आर फायरिंग बुलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया मतलब हर एक डायरेक्शन में आर मैक्स देखना पड़ेगा। हर एक डायरेक्शन में अगर आर मैक्स देखोगे और विद सेम स्पीड बोला है, अगर हर एक डायरेक्शन में आप आर मैक्स देखोगे तो सर्कल बनेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर मैक्स स्क्वायर होता है, एंड आर मैक्स इज यू स्क्वायर बाय जी, तो पाई u raise to 4 by g square. Simple question. Next, a projectile is thrown with initial speed u, angle of projection 15 degree to the horizontal, has a range r. If the same projectile is thrown at an angle 45 to the horizontal with speed 2u, its range will be easy hai. Pehle case mein r1 kya tha, u square sine 2 theta by g. ओके, इसको आर बोला है, तो यू स्क्वायर बाय साइन टू थीटा, दैट इज साइन 30 डिग्रीज, क्योंकि साइन ऑफ 2 इनटू 15 बाय जी दैट इज इक्वल टू आर, मतलब आपको यहां से मिल गया यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 2 आर, क्योंकि साइन 30 हाफ होगा और 2 को शिफ्ट कर दूंगा, तो यू स्क्वायर बाय जी मिल गया यहां से, इन शॉर्ट आर टू इज यू स्क्वायर। अच्छा, स्पीड को डबल किया है, ये इंपॉर्टेंट है, 2u square sine of 2 into 45, आपको पता होना चाहिए था कि डायरेक्टली ये 45 बोला, मतलब u square by g, यहाँ पे u क्या है, 2u है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, this is 4u square by g, तो 4 times of u square by g is 2r, मतलब answer will be 8r. तो अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। So it is just that you find u square by g from first condition, substitute that in second, and that's it. Simple question tha. The velocity at the maximum height of projectile of its is half of its initial velocity. Ye humne already kiya hai. Its range on the horizontal plane is, maine aapko already bataya tha. At maximum height, you already know that V by is zero. इसका मतलब आपको बोला है Vx, which is ux, which is u cos theta,
इट इज हाफ ऑफ इनिशियल, हाफ ऑफ यू बाई टू, राइट। मतलब आपको यहां से मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हाफ, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, राइट। रेंज पूछा है तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, तो यू स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 इंटू 60 is sin of 120, u square by g sin of 120 is sin of 90 plus 30, and sin of 90 plus 30 is cos of 30, and cos of 30 is root 3 by 2, so root 3 u square by 2g, root 3 u square by 2g, option number A. So this is how you can solve such questions, and it's very very fast. Easy है सब। मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है, मतलब vx equal to ux, that is equal to u cos theta which is equal to u by 2, so cos theta is half, so theta is 60 degree, so r basically is u square sin 2 theta by g, theta के लिए 60 डाल दी, sin of 2 into 60 is sin of 120, so u square by g is sin into sin of 120 आएगा रेंज, sin of 120 is sin of 90 plus 30, that is cos 30, and cos 30 is root 3 by 2. Very simple question. Kuch bhi nahi tha yahan pe. Nothing at all. A projectile is thrown from a point in a horizontal plane such that its horizontal and vertical velocity components are 9.8 and 19.6 respectively. Its horizontal range is. यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको यू एक्स यू वाई बोला है या फिर वी एक्स वी वाई बोला है, मतलब फाइनल कंपोनेंट्स दिए है या इनिशियल कंपोनेंट्स दिए, इनिशियल दिए है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड और ये बोला है 19.6 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है रेंज, तो रेंज आर इज इक्वल टू 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 2 यू एक्स इज 9.8, यू वाई इज 19.6 और जी इज 9.8, कैंसल कैंसल, 19.6 इंटू 2 इज 39.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। तो पहले सेट में एज यू नो दैट आई पुट लिटिल लिटिल इजी क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेट में हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट भी लाएंगे और थोड़ा थ्योरी को भी आगे ले जाना है अब, क्योंकि अब तक जितना थ्योरी लिया है उस पर ही क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं। देयर इज मोर थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड लिटिल बिट पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन एज वेल, क्योंकि This topic is motion in two dimensions, तो मुझे वो लेना पड़ेगा, right? तो ये easy था। A particle is projected with a velocity v such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained. Range is 2 times of h. The range of projectile is. It's just a joke. It is a joke, if you understand. आपको पता है ये भी दो मेथड से सॉल्व होता है। Well, you can do it the way you want. So, you can actually write down, we know that method number one. आपको पता है मैंने आपको बताया था R और H में relation. R equal to 4H cot theta. और r है 2h, ये है 4h cot theta, मतलब आपको यहां से मिल जाएगा cot theta का वैल्यू हाफ। cot theta का वैल्यू हाफ होने का मतलब होता है एंगल, आप देखो द थिंग इज यहां से आपको एंगल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई इशू नहीं है। यू शुड नो व्हाट इज cot theta इक्वल टू हाफ, दैट इज cos अपॉन sin इक्वल टू हाफ,
कॉस बाय साइन इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसका मतलब टू कॉस थेटा इज इक्वल टू साइन थेटा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ना यहाँ पे, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। साइन मतलब टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, मतलब थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, मतलब कॉस थीटा इज नथिंग बट वन बाय रूट थ्री। ओके ओके नॉट ओके, क्यों नॉट ओके? क्योंकि साइन थीटा वॉज टू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर आएगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा। तो नॉर्मली दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक दैट वन मे कमिट। तो ये आपका आ जाएगा फोर प्लस वन फाइव, और ये आपका यहां पे अंडर रूट ऑफ फाइव होगा। तो यहां से आपको मिल गया कॉस, फिर आपको साइन मिल जाएगा। साइन थीटा इज टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, दैट इज टू बाय रूट फाइव। ओके, तो यू हैव साइन थीटा, यू हैव कॉस थीटा। हमको क्या बोला है रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज इज टू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला है, या फिर यू स्क्वायर साइन टू थीटा, या फिर टू यू एक्स यू वाई बाई जी, ये भी लिख सकते हो राइट। या फिर अगर मुझे स्टेप्स कम करने होंगे तो मैं लिख दूंगा यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो टू यू स्क्वायर बाय जी, साइन थीटा इज टू बाय रूट फाइव, कॉस थीटा इज वन बाय रूट फाइव, तो फोर बाय फाइव। तो रेंज आ गया फोर यू स्क्वायर बाय फाइव जी। ये हो गया आपका, यू की जगह पे वी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये एक मेथड है, दिस इज वन मेथड। यू मे ऑल्सो गो थ्रू अनदर मेथड्स, यू कैन डू इट इफ यू वॉन्ट। जैसे कि मैं एक हिंट देता हूं, I give you a hint for method 2. So in method 2, what you will do is, you already know r equal to 2h, sorry, r equal to 4h cot theta, ये पता होता है, right? R is 2h, correct? मतलब more or less वही है, but only difference will be कि यहाँ पे angle हम दूसरे तरीके से निकालेंगे. That's the only thing. मतलब I will start from saying r equal to 2h. And I will just put R. R क्या होता है पता है आपको, 2 ux uy by g. H क्या होता है, uy square by 2g. Cancel, 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 cancel. तो आपको यहाँ पे ये भी cancel, यहाँ पे ये भी cancel. तो 2 ux मतलब 2 u cos theta equal to, ये आपका आ गया uy मतलब u sin theta, मतलब u u भी cancel आ गया, तो you are directly here. Sin theta equal to 2 cos theta. ओके, तो यू आर डायरेक्टली एट दिस स्टेप। तो मेथड तो दोनों में सिमिलरिटीज है, ओनली थिंग वाज कि सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा में रिलेशन निकालने के लिए यू कैन यूज टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको आर इक्वल टू फोर एच कॉस थीटा याद नहीं है तो डायरेक्टली आर का फॉर्मूला एच का फॉर्मूला डाल दो, आर इक्वल टू टू एच में हो गया सॉल्व राइट। तो दिस इज how you can solve, this is again a very simple thing. Next question, the range r of a projectile is same when maximum heights are h1 and h2, what is the relation between r h1 and h2? Range same hai if heights are h1 and h2,
आर एच वन और एच टू में रिलेशन क्या आएगा? वापस से ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्यों समझेगा आपको। रेंज सेम कब होता है? रेंज इज सेम इफ थीटा वन इज थीटा एंड थीटा टू इज 90 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट वी शुड नो इज एच वन इज इक्वल टू फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन टू जी, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, एंड h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू बाई टू जी, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई टू जी, मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। फिर आप जब h1 और h2 को मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई h1 इनटू h2, क्यों कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में h1 इनटू h2 दिख ही रहा है हर जगह पर, तो मल्टीप्लाई कर ही लो, है ना, चारों ऑप्शन में h1 h2 दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। इफ योर ऑब्जर्वेशंस आर स्ट्रॉन्ग तो यू विल से एच वन एच टू, इफ यू नो दिस दिस इज इजी, ये है यू वाई स्क्वायर, ये है यू एक्स स्क्वायर, ये है टू जी का स्क्वायर, है ना, नीचे है 2g का स्क्वायर। मतलब मैं क्या करूंगा, मतलब मैं सिर्फ अब 4 और 4 एडजस्ट करने वाला हूं, क्यों करूंगा वो भी समझेगा आपको लास्ट में, एट लास्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम एडजस्टिंग थिंग्स। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू चेंज दिस ओरिएंटेशन little bit of space I need, done, okay, so I am just going to do a simple thing, I am just going to multiply and divide by 4, तो यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी होल स्क्वायर, मतलब 4 डिनोमिनेटर का यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो 4 एच वन एच टू, और ये जो बचा हुआ है ये है 2 यू एक्स यू वाई बाय 2 जी का स्क्वायर, ओके राइट। रेंज में 2 जी आता है क्या नीचे, दैट यू हैव टू चेक, क्योंकि फिर अननेसेसरली कॉम्प्लिकेशंस है, फिर मतलब मैंने ये 4 फालतू में मतलब का एडजस्ट किया है, because I was having in mind about height, तो इसका मतलब ये है that I don't want to adjust anything, क्योंकि that's just pointless thing, okay, good, so you need to adjust by the way, आपको वो adjust करना पड़ेगा range लाने के लिए, range 2 ux uy by g होता है, and if you do this you will just get correct answer, okay, तो आई विल फिनिश इट ऑफ डोंट वरी। तो हमने क्या किया अभी तक, मैं वापस बता रहा हूं, हमको ये पता है कि रेंज कब सेम होता है, तो रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए सेम होता है, ओके गुड। देन हमने सिर्फ h1 निकाल लिया, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी टू जी, और हमने h2 निकाल लिया which turns out to be u square sin square sorry cos square theta by 2g, तो हमको h1 और h2 मिल गया, and then we are just multiplying h1 and h2, तो मैंने बस h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर दिया,
अब इसके आगे आई विल प्ले अ ट्रिक, क्योंकि यूएक्स यूआई के फॉर्म में लाओ तो भी चलेगा, फोर फोर एडजस्ट करो वो भी चलेगा, नहीं तो फिर एक सिंपल ट्रिक भी कर सकते हैं। दैट सिंपल ट्रिक विल रिड्यूस सर्टेन स्टेप्स ऑफ आर्स। कैसे? मैं सिर्फ ऊपर ध्यान दे रहा हूं, दिस इज यू रेज टू फोर, यू हैव साइन थीटा कॉस थीटा राइट का स्क्वायर। अगर यहां पे टू होगा तो फिर ये साइन टू थीटा बन जाएगा, मतलब नीचे मुझे टू स्क्वायर मतलब फोर एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा फोर एनीवेज, तो ठीक है कर लेते हैं एडजस्ट फोर जी स्क्वायर। तो ये भी चलेगा यूएक्स यूआई के फॉर्म में भी चलेगा। तो एच वन एच टू एच टू एस, ये ऊपर आपका आ गया यू रेज टू फोर साइन टू थीटा का स्क्वायर अपॉन 16 जी स्क्वायर, मतलब मैंने 16 को ही शिफ्ट कर दिया यहां पे और यहां आ गया मेरा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर राइट। मतलब मेरे पास आ गया 16 h1 इनटू h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब मुझे मिल गया यहां से r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h1 इनटू h2। तो if you write in terms of ux uy chalega, if you write in terms of theta to bhi chalega. To ye ek method ho gaya, ab main wapas aapko clarify kar deta hu on how to go ahead with in terms of ux uy, matlab simple method bata deta hu main aapko. I'll just tell you a very very simple method provided you know basics, क्योंकि अगर बेसिक्स नहीं पता तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सिंपल मेथड ये था, h1 ये आएगा u y स्क्वायर बाय 2g फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा h2 ये आएगा u x स्क्वायर बाय 2g फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, करेक्ट? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए वहां पे कॉस बन जाता है इसके लिए। मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं ये, इफ यू नो बेसिक्स। तो h1 इनटू h2 जब करोगे तो हो गया सॉल्व ये यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर, बराबर सिंपल। मैंने फिर इसके अगले स्टेप में मैं बता रहा था आपको कि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना पड़े गा। वैसे नहीं भी क्यों तो चलता है, लेकिन फिर तो एडजस्टमेंट थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं किसी किसी स्टूडेंट को, इसलिए मैं फिर एडजस्टमेंट करके ही बता देता हूं। तो h1 into h2 is 4 ux square u y square by 16 g square, मतलब ये आ गया 16 h1 h2 is equal to 2 ux u y by g का whole square, मतलब ये आ गया 16 h1 into h2 is equal to r square, मतलब आपको r मिल गया 4 under root of h1 into h2। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट चीज पता है तो, नहीं तो फिर ये है, नहीं तो फिर देयर इज वन मोर मेथड, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, तो देर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स ओके। और एक मेथड भी एग्जिस्ट करता है, चलो वो भी बता देता हूं। आर इज इक्वल टू क्या था, 4 एच वन कॉट थीटा, क्योंकि फॉर एंगल थीटा प्रोजेक्शन। आर टू इज इक्वल टू आर 4 एच वन कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। What is cot of 90 minus theta? You are into first quadrant, all positive, मतलब tan theta. So R is equal to 4 H2 tan theta. Okay? तो यहां से भी solve होता है वो. You can also solve from here. This is third method. Of course, I'm not completing it. Of course, you have to do it as an assignment for yourself.
क्योंकि इफ आई टेल यू एवरीथिंग दैट डजंट सर्व द पर्पस तो वो यूजफुल नहीं होगा. तो दीज आर द टू मेथड्स दैट यू मस्ट नो.